एवरीवन, वेलकम टू टैरो वर्ल्ड, टैरो कार्ड की रहस्यमय दुनिया। फ्रेंड्स, आज मैं चक्रास के बारे में बोल रही हूँ। जो आपने थंबनेल पे देखा, अगर आपका यह चक्रा इनबैलेंस है तो आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कोई लक्ष्य निर्धारित अगर आप करना चाह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं जीवन में क्या नहीं करूं, तो उसके लिए मैंने सेवन चक्रा, सबको मालूम होगा मोस्टली को कि सेवन चक्रास बॉडी में होते हैं। अगर आपका ये चक्रा इम्बैलेंस है, ठीक है, तो ये चक्रा इम्बैलेंस होने से आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, डिजीज क्या क्या हो सकते हैं। ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा, अगर आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में या हो सकता है वो आपको यूरिन में प्रॉब्लम हो, ठीक है, बेबी होने में इश्यूज होते हैं, उसमें योग नहीं बनते हैं, एलर्जी हो सकता है, अस्थमा की समस्या हो सकती है, पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपको जो मानसिक बीमारी का कुछ अगर होता है, हेडेक होना या फिर माइग्रेन का होना, भावनात्मक यानी इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाते हो कभी कभी, यानी एडिक्शंस का है, नशा करने की इच्छा होगी आपको, यानी कि हमेशा लगे कि बस चलो कुछ कर लूँ, यानी अगर एडिक्ट है, अगर आप वो चीज़ का है, और बिना किसी बात के भी चिंता करते रहते हो, टेंशन में रहते हो, निगेटिव सोचते हो, आपके अंदर की क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, सेक्सुअल कुछ प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं, निगेटिव सोचने लगते हो, अगर ये सब प्रॉब्लम आपका है तो इसका मतलब है आपका सेकंड चक्रा इम्बैलेंस है, ठीक है। सेकंड चक्रा स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं उसको हिंदी में, और इंग्लिश में सैक्रल चक्र कहते हैं, ठीक है। ये नाभि से 2 इंच नीचे होता है और ये सेकंड चक्र है। फर्स्ट चक्र आप सबको मालूम होगा रूट चक्र होता है, उसका भी मैं बताऊंगी, लेकिन मेन इसलिए मैंने दिया कि बहुतों ने कमेंट बॉक्स में दिया था, मैम क्या करना है क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। बहुत बार आते हैं मेरे पास क्वेश्चंस इस टाइप के कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब जगह फेल होते जा रहे होते, ये इसका रीज़न है कि आपका सेकंड चक्र, सैक्रल चक्र या स्वाधिष्ठान चक्र जिसको कहते हैं, वो आपका इम्बैलेंस, ठीक है। अगर ये जब बैलेंस हो जाता है तब आपके अंदर कैसा कैसा फील करेंगे आप, ठीक है। और ये मेन जो है बैकबोन जो बॉडी का है, अगर मिडिल पार्ट ऑफ द बैकबोन का हिस्सा होता है, जहाँ आपको जो कहते हैं ना रूट चक्र में आपका सबसे लोअर पार्ट में आपका बैकबोन का रीढ़ का हड्डी का होता है, और वो अगर बैलेंस है, उसके बाद सेकंड चक्र बैलेंस है यानी कि, और थर्ड चक्र, अगर ये तीनों चक्र आपका बैलेंस है तो ऑटोमेटिक आपका जो भी फोर्थ चक्र बचे हुए हैं वो सारे ऑटोमेटिक ही बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने ये कहा है कि अगर आप लोगों को ऐसा फील होता है तो कैसे क्या क्या करना है। अगर ये आपका बैलेंस हो जाता है, ठीक है, तो ये आपको ना बहुत खुशी महसूस करवाएगा, हमेशा खुश रहेंगे और बहुत अच्छे अच्छे इमोशंस आएंगे आपको, हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे आप, लोगों से मिलना जुलना बहुत अच्छा लगेगा और आपके अंदर आत्मविश्वास बहुत जगेगा, ठीक है। समाज में लोगों के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करेंगे आप, अपने आप को आज़ाद महसूस करेंगे, जो अभी घुटन सा महसूस करते हैं, स्टक लाइफ अगर किसी की ऐसा फील हो करते हो तो इसका मतलब यह कि आपका सैक्रल चक्र इम्बैलेंस हो चुका है, ठीक है। जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित, कुछ समझ में नहीं आता क्या होगा जीवन में क्या नहीं, हमेशा टेंशन करना, या कभी कभी आपको फील होता होगा कि मैं बस अब मेरे लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता जीवन में, कर सकती, ऐसा कुछ कुछ होने लगेगा लोगों की, ऐसा जिनको होता है उनके लिए मैं कहूँगी तो, और लोगों की भीड़ में आप अलग दिखना अगर चाहते हो तो आपको सैक्रल चक्र बैलेंस करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप चाहते हो कि आपके पास बहुत हर चीज़ खुशियाँ आए, हमेशा खुश रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, देन आपके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपको खान पान में भी फिर देखना, जब आपको ये बैलेंस रहेगा तो आपको खाने का भी ऐसे फालतू ऑयली फूड्स या कुछ जंक फूड्स या खाने का आपको मन ही नहीं करे, अगर ये खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है इसका मतलब है कि आपका सैक्रल चक्र इम्बैलेंस हो रहा है, समझ गए। और इन सब चीज़ों पे आप जरूर ध्यान दें इसका, और मैं ये जरूर कहूँगी कि इसका मैं सब चीज़ वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बताना चाहूँगी कि कैसे कैसे क्या आप कर सकते हैं और कैसे अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका जीवन में कोई भी लक्ष्य है, कुछ क्या करूँ दिमाग में आता है, मैं किस लिए बना, ये क्वेश्चन आता है ना दिमाग में, तो इसका मतलब सैक्रल चक्र आपका इम्बैलेंस है, जिस वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके जीवन खोजने में कैसे मदद करता है, ठीक है। और इसका लोकेशन मैंने बता दिया कैसे है, नाभि से 2 इंच नीचे है, और इसका कलर जो होता है वो ऑरेंज होता है। अगर आपका ये सब जो जो चीज़ मैंने बताया कि ये डिजीज़ है, यूरिन में प्रॉब्लम हो रही है कुछ, तो आप ऑरेंज कलर का कुछ ना कुछ अपने बॉडी के साथ रखें, ठीक है, यानी कोई ड्रेस पहनना है या कुछ भी चीज़ अच्छी, या हाथ में बैंड पहन सकते हैं, कुछ भी एक चीज़ रखते हैं, हैंकी रख सकते हैं आप। और ये
इसको एक्टिव करने का एक मैं बता रही हूँ, जैसे आपको दिखा रही हूँ मैं पहले, देखो सेकंड चक्र है ना, यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, नाभि के नीचे सेकंड चक्र। और कैसे इसको एक्टिवेट करेंगे, रेस्ट एंड रिजुविनेशंस। इस मुद्रा में आपको बैठना है पहले, उसके बाद इस आकृति ध्यान लगाना है। और ये हाथ देख रहे हो आप, हाथ कैसे है, ऐसे लेफ्ट हैंड के ऊपर, राइट हैंड को ऐसे देखिए, आपको ऐसे बैठना है। उसके बाद सेकंड चक्र का जो वर्ड है वम बोलते हैं उसको, ठीक है, वम बोलते हैं। और उसको आप वम बोल के लंबा खींचना, वम वम ऐसे बोल के आपको ध्यान लगाएंगे। और सैक्रल चक्र जो पॉइंट है वहाँ पे आपको ध्यान देना है। और धीरे 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 ये जो है, जब आप करेंगे, जब आप बिल्कुल मेंटली रिलैक्स, यानी कि मॉर्निंग में आप कर सकते हैं या नाइट में कर सकते हैं, जब आपको टाइम मिलता है, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स, उस समय आप बिल्कुल शांत रहेंगे। और भोजन आपका खाने के, अगर रात में अगर आप कर रहे हैं तो पेट हल्का होना चाहिए आपका, ठीक है, मॉर्निंग में आप कर सकते हो। और ये एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ में। अगर ये एक्टिव हो जाता है देन आपके लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम जो आपको लग रहा है वो सारा खत्म हो जाएगा। और जो डिजीज मैंने बताया है कि रीढ़ की हड्डियों में, कमर में दर्द होना, ये सब जो प्रॉब्लम जो आ रही है वो सब सारी प्रॉब्लम खत्म होने लगेगी धीरे धीरे, ठीक है। वन बाय वन और भी मैं इस पर डिस्क्राइब करूँगी फ्यूचर में। और मैं अभी सेकंड चक्र का मैंने बताया है, और सेकंड चक्र आपका सैक्रल चक्र है जिसको स्वाधिष्ठान चक्र भी कहते हैं। तो आप इस तरीके से इसको हील कर सकते हैं। और आई होप अगर आप जब ये करने लगेंगे, आप देखना 15 डेज के अंदर कितने जल्दी आप चेंज होने वाले, ठीक है। पसंद आता तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि किसी और का भी बुलाओ फ्रेंड्स। थैंक यू।